चीन के विदेश मंत्रालय ने रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित बैठक से जुड़े सवाल को टाल दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बारे में अगर कुछ नया होगा तो हम आपको सूचित करेंगे। दोनों नेता मंगलवार से शुरू होने वाले इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खजाना दौरे से पहले विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी दी कि भारत और चीन के वार्ताकार पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गश्त को लेकर एक सहमति पर पहुंच गए हैं, लेकिन बीजिंग की ओर से इस सहमति पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जून 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन संबंध काफी बिगड़ गए थे। दशकों बाद यह सबसे गंभीर और सैन्य संघर्ष था। पिछले हफ्ते चीन ने घोषणा की थी कि शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वो वैश्विक दक्षिण के लिए एक नए युग की शुरुआत करने के लिए अन्य पक्षों के साथ मिलकर काम करेंगे। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, जबकि हाल ही में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को नए सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षीयता को मजबूत करना है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, शी जिनपिंग छोटे बड़े समूहों की बैठकों और ब्रिक्स प्लग संवाद में भाग लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिनपिंग अन्य नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों, ब्रिक्स के व्यवहारिक सहयोग, ब्रिक्स के विस्तार और आसी हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, सोमवार को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 52 महीनों से चल रहा सीमा तनाव सुलझ गया है। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर चली कवायद के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गश्त और सैन्य तनाव घटाने पर सहमति बन गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा, 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई घटनाओं के बाद हम चीनी पक्ष के साथ सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार संपर्क में थे। WMCC और सैन्य कमांडर स्तर पर दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 52 महीनों से चल रहा सीमा तनाव सुलझ गया है। भारत चीन के बीच LAC पर सीमा गश्त पर सहमति बनने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हम उस जगहों पर गश्त करने में सक्षम होंगे जहां हम 2020 से पहले कर रहे थे। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विकास है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।